हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार और आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल डीजे अमित ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आ गया हूँ एक हिंदी सॉन्ग कैफेली प्रोजेक्ट। तो चलिए देखते हैं किस तरीका से कैफेली प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, और अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब अगर करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, ठीक है। और साथ में कीजिएगा तो साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप लोग को टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, तो ठीक है, मिलना भी तो चाहिए ना। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम वोकल, ठीक है, क्योंकि गाइस ये थोड़ा सा वाइब्रेशन टाइप का क्रिएट किया गया है, ठीक है, हार्ड वाइब्रेशन है। तो आप लोग थोड़ा सा कम वॉल्यूम में ही सुनिएगा, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, और वाइब्रेशन के कारण हो सकता है तो आपके कान पे थोड़ा सा ज़्यादा असर पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा हाई क्वालिटी में नहीं सुनिएगा हेडफोन लगा करके, ठीक है। अगर आप लोग सुनना है तो डायरेक्टली होम थिएटर या अपने जो इंस्ट्रूमेंट होगा, क्योंकि मतलब आउटपुट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उस पर आप सुन सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अपना वोकल, ठीक है। तो गाइस ये मेरा सॉन्ग है, ठीक है, और कौन सा सॉन्ग कौन सा मूवी का है अब ये पता नहीं है, ठीक है। और जब ये बीट के साथ जब चलेगा तो कुछ इस तरीके का साउंड करता है, ओके फ्रेंड्स। तो ये मेरा सॉन्ग भी है और बीट के साथ भी है और वाइब्रेशन वाला कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, और एक और होगा जो मेरा ब्रेक लूप की तरह होगा, ये रहा। ओके, तो बस इतना ही सा है, ज़्यादा इसमें मतलब हमको दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा ब्रेक लूप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अपना बीट किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया गया है, जिसको पैटर्न बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही सा है, और ज़्यादा यहाँ पे मास्टरिंग जो है थोड़ा सा सिर्फ वोकल पे किया गया है, और सेम प्रोसेस है, आप मैंने वाले पिछले वाले में भी बताया था, कुछ इस तरीका से रहता है। बस इसमें थोड़ा सा फ्रूटी वेब शेपर का मैंने यहाँ पे यूज कर दिया है, ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि सॉन्ग को थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए। और सिर्फ यहाँ से मैंने थोड़ा सा क्या किया है कि डीले और रिवर्ब को साइड चेंजिंग कर दिया है, ठीक है, और वॉल्यूम अप्रॉक्स इसका 50 के आसपास में है। तो चलिए सुनते हैं किस तरीके से सॉन्ग रिमिक्स हुआ है, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि कैसे आप लोग के लिए इतना करते हैं तो एक लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है। फ्रेंड्स, कुछ इसी तरीके से आप लोग को सॉन्ग सुनने को मिलेगा, ठीक है, और नोवा स्टैक प्लस एवल प्रोजेक्ट दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर डाउनलोड करना चाहते हो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और गाइस, बात रहा है कि जो भी पैटर्न मैं क्रिएट करता हूँ वो खुद से करता हूँ, आप लोग को जैसे लगता होगा कि मैं कहीं से लाता हूँ, नहीं गाइस, मैं खुद से पैटर्न क्रिएट करता हूँ, चाहे ब्रेक लूप हो, चाहे बीट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर मेरे को ब्रेक लूप, ऐसा नहीं कि ब्रेक लूप नहीं है, आप यहाँ पर देख सकते हो तो मेरे पास बहुत सारा ब्रेक लूप पड़ा हुआ है, इसलिए मैं खोलना चाहूँगा।
यहाँ पे देख सकते हो मैंने भी खुद से बहुत सारा ब्रेक लूप तैयार किया है। ओके गाइस, तो हमारे पास भी ब्रेक लूप है, बट मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि पहले खुद से ट्राई करो, अगर नहीं जचा तो लास्ट में तो ब्रेक लूप है ही, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एफली प्रोजेक्ट डेफिनेटिक्स वीडियो और नए नए सॉन्ग के एफली प्रोजेक्ट के साथ। तो जब तक लिए हमको दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।